पुरस्कार है? ये देखिए, एक पुरस्कार मिला है और ये है कि जब भी किसी इंसान को कोई सम्मान मिलता है तो उसका सामान्य रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोलते ना कि ज़मीन पे रहना बहुत मुश्किल होता है जब आदमी को कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही एक अवार्ड गौमुख को मिला है, तो अभी वो उसकी खुमारी में उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला, तो उसी के बारे में हम लोग सीन कर रहे हैं। सर, एक किस तरह का अवार्ड है, मतलब क्या किस चीज़ के लिए मिला? बेस्ट टीचर का अवार्ड है, बेस्ट टीचर का एक अवार्ड मिला है जो स्टेट लेवल का नहीं है, सेंट्रल लेवल का, यानी पूरे इंडिया में से बेस्ट टीचर का उसका अवार्ड मिला है। सर, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, कितना? घर वाले बहुत खुश हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे घर में किसी को इतना बड़ा अवार्ड मिला हो, और गौमुख को मिला है तो सबके लिए, क्योंकि बाबूजी भी टीचर रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाबूजी बहुत खुश हैं, भैया बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, मेरी बहुत खुश है। तो क्या इस अवार्ड को लेकर कोई ट्विस्ट देखने मिलने वाला है कुछ आपको? देखिए, चिड़ियाघर जो हमारा शो है वो यही है कि हम कहानियों के माध्यम से कुछ एक सीख सिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक सीख है कि जब किसी को, जैसे मैंने आपको कहा, जब किसी को कुछ बड़ी चीज़ मिलती है तो उसके बाद पेड़ पे जब फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन जब इंसान पे फल लगते हैं तो वो और तन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही एक सीख है जिसको लेके हम ये कहानी कह रहे हैं, और आपको ट्विस्ट और टर्न्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। सर, तो व्यूअर्स को कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हमें प्यार दिया है इतने सालों से, आप दे रहे हैं चिड़ियाघर को, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और ज़रूर देखिए चिड़ियाघर सोमवार से शुक्रवार 8-9 बजे से सब टीवी।